दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि किस तरह जयपुर की मेट्रो ट्रेन एंजॉय करते हुए हम हवा महल देखने पहुंचे। यहां पहुंचकर हमने 50 रुपये की एंट्री टिकट ली और हवा महल के पांचवें फ्लोर तक हम पहुंच गए। हवा महल से निकलकर हम पहुंचे एयरपोर्ट के नज़दीक पत्रिका गेट देखने, जो जयपुर का एक नया आकर्षण है, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर। पत्रिका गेट के नज़दीक ही WTP मॉल में हमने हल्का फुल्का भोजन लिया और फिर हम वापस आए सिटी में। टपरी सेंट्रल में चाय पीते पीते हमने सनसेट एंजॉय किया और जयपुर में हमारा पहले दिन का अंतिम पड़ाव था राज मंदिर सिनेमा। गर्मी से बचने के लिए हमने दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी की। आज का हमारा पहला पड़ाव था आमेर का किला, जो सिटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। किले तक पहुंचने के लिए आपको कई सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। यदि आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते तो जीप किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी किले तक नहीं ले जा सकते। किले में एंट्री फ्री है, लेकिन यहाँ पर एक पैलेस है, एक महल है, उसमें जाने के लिए आपको 100 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी और टाइम रहता है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। महल का जो पहला बरामदा है, इसे दीवाने आम कहते थे और उसके बाद है दीवाने खास, यानी कि राजाओं का प्राइवेट स्पेस होता था। यहाँ से केसर क्यारी की बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देती है, जहाँ पर राजाओं ने कभी केसर उगाने की नाकाम कोशिश की थी। और उसके बाद आता है महल का मुख्य द्वार, जिसे गणेश द्वार कहा जाता है। महल के प्राइवेट हिस्सों में जाने के लिए गणेश द्वार ही मुख्य द्वार था। जैसे ही आप गणेश द्वार से अंदर एंट्री करेंगे तो आपको महल का प्राइवेट गार्डन दिखाई देगा, जिसे मुगल गार्डन कहा जाता है। मुगल गार्डन के साथ है शीश महल, जो दियों की रोशनी में बहुत ज़्यादा जगमगाता है। ये महल की रानियों के लिए स्पेशल बनवाया गया था। एक घंटा लगेगा। आपका समय और पैसा बचाने के लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ना केवल आमेर के किले से बल्कि पूरे जयपुर से संबंधित बहुत सारी टिप्स दी हैं, उनको आप जरूर देखें। जयपुर के महाराजा पहले यहीं से राज करते थे, जयपुर को बाद में बसाया गया था। एक राजा थे जयपुर के, जिनकी 12 रानियां थी, तो उन्होंने अपनी 12 रानियों के लिए अलग अलग कमरे बना रखे थे। ये वही जगह है जिसे 12 दरी के नाम से जाना जाता है। 9 बजे तक हम महल देखकर वापस नीचे आ गए थे। यहाँ महल के ठीक सामने आप हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। आमेर के किले से जब आप वापस मुख्य शहर की तरफ आएंगे तो लगभग 3 किलोमीटर चलने के पश्चात आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक झील दिखाई देगी और इसी झील के बीच में एक महल बनाया गया है, जिसे जल महल कहा जाता है। हालांकि आप महल के नजदीक तक नहीं जा सकते, लेकिन दूर खड़े होकर आप महल को निहार सकते हैं। कोई एंट्री टिकट नहीं है। जयपुर का तापमान दिल्ली से काफी अधिक रहता है, इसलिए कुछ अट्रैक्शन तो हमने पहले दिन शाम को कवर किए और बाकी अगले दिन सुबह। जल महल के बाद हमारा अगला पड़ाव था सिटी पैलेस, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जयपुर के महाराजा की। एंट्री टिकट 200 रुपये, समय रहता है सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक। काफी बड़ा महल है ये भी और इसके एक हिस्से में आज भी राज परिवार रहता है। यदि आप उस हिस्से में जाना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपये और अधिक खर्च करने पड़ेंगे। रॉयल फैमिली के फिलहाल 5 मेंबर्स इस महल में रहते हैं। महल के अंदर कई जगह बहुत ही ब्यूटीफुल थी, एकदम इंस्टाग्रामेबल, जैसे कि ये पिकॉक गेट। लेकिन एंट्री टिकट 200 रुपए थी, उसके हिसाब से हम जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। यदि आप बजट ट्रिप पर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस जगह को अवॉइड कीजिए। दीवाने खास में एक बहुत बड़ा पोर्ट रखा हुआ था। गाइड ने हमें बताया कि जब यहाँ के महाराजा एक बार इंग्लैंड गए थे तो वो इसमें गंगाजल भरकर अपने साथ ले गए थे। जयपुर के इस सिटी पैलेस का सबसे मुख्य आकर्षण है ये सभा निवास, जो एक तरह का दरबार हॉल है। गाइड ने हमें बताया कि एक बार लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आए थे, उस समय जो दरबार लगाया गया था ये सेम वही अरेंजमेंट है, इसको चेंज नहीं किया गया है। सिटी पैलेस के एकदम नजदीक है जंतर मंतर। प्राचीन काल में ये एक खगोलीय प्रयोगशाला होती थी। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री चलती है। डॉक्यूमेंट्री देखे बिना यदि आप इसको विजिट करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जयपुर में हमारा लास्ट स्टॉप था अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इसको लास्ट में रखने की 2 वजह थी। एक तो इसमें एयर कंडीशन है, आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर बहुत कुछ देखने को है, आप बचा हुआ सारा समय यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं।
और यहाँ का मुख्य आकर्षण है इजिप्टियन मम्मी। हमारे पास थोड़ा समय और बच गया था, इसलिए म्यूजियम के ठीक एक सामने जू है, बाद में हम वहाँ चले गए। वहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन इन बेबी डियर्स ने हमारा दिल जीत लिया। 2 बजे की हमारी वापसी की ट्रेन थी, हम आ गए रेलवे स्टेशन पर। इस तरह जयपुर में हमने 24 आवर्स स्पेंड किए। पहले दिन के जो मेजर अट्रैक्शन हैं, उनकी डिटेल देखने के लिए आप हमारा पहला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।